हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे यार। मैं भी बढ़िया हूँ। आज यार बहुत दिन से ना पेंडिंग था इसका सर्विस कराना, 10,000 के ऊपर चल भी गई है, अराउंड 10,200 के आसपास में है। बहुत टाइम से चल रहा था कि अब कराऊंगा अब कराऊंगा, तो चलते हैं सर्विस सेंटर, कराते हैं इसकी सर्विस। सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या प्राइस लगा, उनका बिहेवियर कैसा रहा और कितना टाइम लगा, मतलब कि गाड़ी बढ़िया से वॉश और सारी चीज़ें अच्छे से करके दिए कि नहीं दिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, सारी चीजें आपसे वहां पे शेयर करता हूँ। देखते रहिए बिना स्किप के। हाँ भाई, आप पहुंच तो गए महिंद्रा के सर्विस में। हमारी मैडम ये रावा मैडम, कुछ तकलीफ हो तो मैडम को बोल लीजिए। मैम सब्सक्राइब किया हो ना? किया हो ना? पक्का? अभी चेक करूंगा, देखो कितने देर में दे दोगे गाड़ी। अरे यार, तब मेजर सर्विस करा के दोगे, वही विदाउट वॉशिंग फ्री सर्विस में। चलो ठीक है, काम अच्छे से होगा ना? नहीं पक्का? चलो तो दोस्तों चलते हैं अंदर, शेयर करेंगे भैया आगे भी सारी चीजें। भाई अभी XUV300 में ना रिकॉल आया हुआ है। एक तो अपना ECU का अपडेट आया हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, और दूसरा जो आया है ना वो फ्रंट वाले जो अपने लिंक रॉड रहते हैं ना, तो उसमें एक हुआ है। बहुत सारे मेरी भी XUV में हो रहा था, सामने से ना किट 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 आवाज़ आ रही थी, तो पहले मैं समझ नहीं पाया, बट अभी जैसे आया ना तो यहाँ के टेक्निकल मैनेजर से बात हुई दुलेश भाई से, तो भाई ने बताया कि भैया ये ना रिकॉल आया हुआ है, इसको अपन चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। कमेंट करके बताओ आप लोग में प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही, और अगर किसी ने अपडेट नहीं कराया तो भाई जाके करा लो, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, ECU का अपडेट है ना। पिछले 2 घंटे से भाई ऐसी खाली फुर्सत बैठाए थे, चाय वाय दिए हैं, गाड़ी बस सर्विस में नहीं लगाए थे, अभी ले दे के लगा रहे हैं। चलते हैं नीचे यार। मैडम लगवा दो यार, गाड़ी सर्विस करा दो फटाक से। मैडम कार के अंदर झांक रही, क्या देख रही पता नहीं। मैडम ही जाने। भैया से सब्सक्राइब करा दिए, हेलो बोल दो भैया। हेलो। देखो भैया से अपना फुल सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं भैया ऐसे कर करके। और फुल एंजॉयमेंट हो रहा है भाई। गाड़ी तो रेडी हो गई भाई, अब जो अपना जो लिंक रोड चेंज हुआ है ना उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। आवाज़ एक बता रहा था ना जो कट 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 आ रही है, उसी को देखने, वही तो ऐसे नहीं आ रही है, देखते हैं आगे। तो
तो भाई शाम के बज गए हैं 7 और आते आते हो गया यार बहुत ज्यादा लेट। कोई ना, आज हमारी सारी सर्विस हो गई वैसे, जो मेजर सर्विस थी। और रिकॉल का जो आया हुआ था, ईसीयू का सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ था और एक लिंक रॉड का अपडेट था, तो वो सारी चीजें हो गई है। फर्स्ट चीज जो मेरे को मेजर सर्विस में जो सबसे मेन थी वो थी इंजन ऑयल, वो अराउंड 2600 to 2700 के आसपास पड़ा। ऑयल फिल्टर भी 260-270 पड़ा। और फिर छोटे मोटे ऐसी जो नट बोल्ट वगैरह और बॉडी कवर ये सब मिला वाला के अराउंड वो 250 to 300 के आसपास में थे। सो टोटल जो मेरे को कॉस्ट पड़ा ना, वो पड़ा 3300 का, 3307। मैं आपको बिल का एक पिक भी साइट पे आपको शेयर कर दूंगा, आप उसमें देख लेना। और यार जो जो XUV300 रखा है और अभी रिकॉल चल रही है, तो मेरा तो यही कहना है आप जाओ और जो ईसीयू का अपडेट आया है और जो लिंक रॉड का जो चेंज हो रहा है वो प्लीज जाके आप चेंज करा लो, गाड़ी में फर्क पड़ेगा यार। मेरे को तो चलाने में थोड़ा सा फर्क लगा, बाकी उनका एक सॉफ्टवेयर अपडेट था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए, तभी आपको मिलेंगे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट। गुड बाय।